मोदी जी देश बेच रहे ना, इसलिए इंटरनेशनल अब लो मोदी जी देश बेच देश बेच रहे हैं। अरे काहे का देश बेच रहे हैं? देश बेच कौन सा देश बेच दिया? सब कुछ बेच दिया। क्या बेच बेचा? पूरा पूरा रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट। देखिए अडानी जो अडानी को रेल एयरपोर्ट बेचा कि नहीं बेचा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं को धर्म से जोड़कर उलझा रखे हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझा रखे हैं। यही गलत है आजकल। हिंदू मुस्लिम का तो कोई मौका ही नहीं होना चाहिए। अरे आप बताइए, आजकल हमको लगता है मुस्लिम के बिना आपका कौन सा काम चल रहा है? आजकल जितने भी अच्छे वैसे वाले काम है, आप देखिए नल के काम है, फिटिंग के काम है, इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, सब मस्जिदें बन रही है, इमारतें बन रही है, मंदिर बन रहे हैं, मुसलमान बना रहे नहीं बना रहे? ऐसे हिंदू हैं, सब जगह हिंदू भी काम कर रहे हैं। तो ये सब साथ वाला काम है। ये सब नहीं सोचो कि मुसलमान है तो इनका काम नहीं करना है, हिंदू है इनका काम नहीं करना है। सब एक जैसे, जहाँ काम मिल रहा वहाँ काम करो। लेकिन विपक्ष का यही विपक्ष ही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, धर्म से जोड़। ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। आप देखिए जो अयोध्या में राम मंदिर बना, सबने बस ये सुना कि जहाँ पे जगह थी वो हटा के राम मंदिर बना दिया गया, पर आप देखो उन्होंने बोला कि हम उतनी ही जगह अयोध्या में देंगे, वहाँ पे मस्जिद भी बनाएंगे। हमने कभी नहीं बोला उनका हटा दो फिर हमें चाहिए। तो कभी भी हमको नहीं लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम में जा रही है। ये बस जो बेरोजगार लोग हैं इनको भड़काया जा रहा है कि तुम हिंदू मुस्लिम धर्म में लगे रहो और अपने आप में परेशान रहो और बोलते रहो कि हम बेरोजगार हैं। गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, चारों तरफ नफरत है, भाईचारा खत्म कर दिया है बीजेपी ने। किसने कहा भाईचारा खत्म हो गया है? आप आइए, आप मोहल्लों में जाइए, लोग आजकल साथ में बैठ रहे हैं, साथ में उत्सव मनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वहाँ आइए, मेरे वहाँ देखिए, सब एक ही मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम साथ में होली खेल रहे हैं, ईद आती है, सब लोग साथ में त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि नफरत है। आपने अपने दिमाग में नफरत बनाई हुई है और कुछ नहीं है। आप अगर किसी से जाके बोलो, आप मुझसे बात करो, मान लो मैं मुस्लिम हूँ, मुझसे बात करो, आपको कहीं से पता चलेगा कुछ है? कुछ नहीं है। आप नॉर्मल बात करो, आपको पूछना ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है कौन क्या है। क्या नाम है सर? अक्षय नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली के रहने वाला। पीएम किसको देखना चाहते हैं? पीएम कैंडिडेट वो होना चाहिए जो योग्य है। अभी के समय जो योग्य कैंडिडेट है वो है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या क्या योग्यता है नरेंद्र मोदी की? क्यों फिर से उनका जो प्लानिंग है, उनका जो चीज़ों के विजन है आगे, वो बहुत ही अच्छा है। आप उनको पता है कि उनको कैसे काम करना? सबसे पहली बात, कोई पार्टी को हम क्यों जिताते हैं? उसने जो अपनी चीज़ें मैनिफेस्टो लेकर आया कोई भी चुनाव लड़ने से पहले, उसको कितना पूरा किया? उन्होंने 370 अपने मैनिफेस्टो में रखा था, हमको पता था कि उस पर काम करेंगे, उन्होंने 370 हटाया। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में था, जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दा था और कई सालों से चला आ रहा था। उन्होंने उस मुद्दे पर काम किया और राम मंदिर आज के समय बना। और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बना तो मस्जिद नहीं बन रही, मस्जिद 5 एकड़ की जगह बनी गई और मई से वहाँ पर काम चालू हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा अभी CA पे काम चल रहा है, वो भी आएगा। तो जो मैनिफेस्टो में था उस पर उन्होंने काम किया, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करे। जैसे कर्नाटका में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी थी उस गारंटी में आज की डेट में एक गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस आ रही है या कोई भी पार्टी आ रही है, बात यह है कि जो आ रही है, आपने जो चुनावी वादे करे थे, जो प्रलोभन दिए थे, उस पर आपने कितना कारगर हुए। अगर आप 60% 70% भी काम कर रहे हो ना तो जनता उसमें भी खुश है। लेकिन आप काम तो करिए, केवल आप बोल दो, बड़े बड़े वादे कर दो कि हम ये करेंगे वो करेंगे और आप कर कुछ नहीं रहे हो। क्या नाम है सर? शैलेश यादव। कहाँ के रहने वाले? UP। क्या लगता है PM किसको देखना चाहेंगे 24? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को मतलब क्यों बनाया जाए राहुल गांधी? अब क्यों आपको बताएं, आप देख लीजिए कितना काम किया राहुल गांधी ने। अब मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं अभी देख लीजिए। तो राहुल गांधी क्या अभी तो वो कुछ पढ़ लिए भी नहीं, क्या काम किए राहुल गांधी? राहुल सत्ता में आएगा तब तो करेगा। हाँ, सत्ता में आएगा तब तो करेगा। हाँ, तो मतलब किस विषय को लेकर सत्ता में लाया जाए राहुल गांधी? देखिए वो युवा का बात करता है। हाँ? वो युवा का पर बात करता है, बेरोजगारी पर बात करता है। अच्छा। हाँ तो बेरोजगारी तो भाई मोदी जी कहते हैं कि जिसके पास मोदी जी का नाम ले लीजिए, हम नहीं रहेंगे अब यहाँ। मोदी जी का नाम नहीं रहने से ना वो 2024 का जो है ना इलेक्शन हार नहीं जाएगा। 400 पार है, 400 पार है अब की बार। अरे EVM से क्या 60 साल में क्या मतलब, EVM से नहीं हुआ था क्या दोस्त? अरे भाई वो हारेगा कैसे नहीं, PM मोदी का मतलब जो PM का चेहरा अभी तक वो मतलब उजागर नहीं किया है, 2 महीने बचा हुआ है, तो मतलब हारना उसका तय है, हारना उसका तय है।
विपक्षी ने अभी तक कोई चेहरा मतलब कोई चेहरा विपक्ष कांग्रेस उनका क्या चेहरा था? चेहरा है ही नहीं तो क्या उतारेगा? कौन है चेहरा? प्रधानमंत्री बहुत नहीं बनेगा, बहुत कौन बनेगा? ये प्रधानमंत्री में क्या दिक्कत है? चेहरे में क्या दिक्कत? चेहरे से ही तो जनता वोट देगी। मोदी का चेहरा है, कभी भाषण देता है, इंटरनेशनल चेहरा बन चुका है। मोदी जी देश बेच रहे ना, इसलिए इंटरनेशनल। अब लो मोदी जी देश बेच रहे हैं। काय का देश बेच रहे हैं? देश बेच, कौन सा देश बेच दिया? सब कुछ बेच दिया। क्या बेचा? पूरा रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट। देखिए अडानी जो अडानी को रेल एयरपोर्ट बेचा कि नहीं बेचा? एक मिनट मैं बोलूंगा, कोई शोर मत करना। एक मिनट, आप कह रहे हो रेल बेच दिया, क्या बेच दिया? लाल किला है, सॉरी भाई, मैं सुनिए सुनिए, लाल किला है, इसको बेच दिया, बेचा नहीं, लीज लीज पे दे दिया। एक मिनट कोई नहीं, बीच में इधर सुनिए, लीज पे दे दिया। क्या निकाल इसका? पहले जब मैं किराया मैं आया था ना एक बार लाल किला घूमने, पहले 10 रुपए किराया था, अब जाके देखो 50 रुपए 100 रुपए। अरे भाई कब आए थे, किस महंगाई बढ़ी? अरे सुनो, कब आए थे आप देखने के लिए? मैं बहुत पहले आया था, इतना याद नहीं। बताइए ना, आप आए होंगे तो वो टिकट वैसे वाली बटरी थी तब, पहले थी। एक मिनट रेल की बात रह गई। रेल में जा रहे हो आप लोग, पहले 3,350 में, बुरा मत मानना, कोई बीच में मत बोलना, 3,350 में पूरा परिवार गांव घूम के आता था, ज्यादा था। कब घूम के आता था? कब आता था ये भी बताते। एक मिनट मार के देखो ना कब। अरे भाई ये कह रहा है कि 2014 से पहले इसमें मतलब 30 रुपए का टिकट था। अरे भाई उनसे पहले ना वहाँ पे जंगल था, अंधेरा था, अब जाके देखो ना कितनी नीट एंड क्लीन चकाचक। इसी चीज पे आप लेटी कितना मिल रहा है, जाके देखो ना, नहीं तो वहाँ पे ना भीड़ के अंदर जेब कट जाती थी। हाँ अब नहीं कटता है जेब, यही चीज आप फैसिलिटी भी तो मिल रहा है काफी। अब देखो ना डेली वहाँ पे हमको वहाँ सोना नहीं है, फैसिलिटी जंगल लगाना, जंगल लगाना, कम से कम ऑक्सीजन तो मिल रहा था। बीजेपी आई थी, महंगाई का मुद्दा, सिलेंडर का मुद्दा लाई थी, अभी भी वही मुद्दा है, अभी भी कम होगा। अंडर हर घर में पहुंच गए, पहुंच रहा है पैसा। वो तो भाई मतलब उसके भी टाइम में था, मतलब क्या कुछ नहीं सस्ता था। कांग्रेस के टाइम पर 10 रुपया का सिलेंडर मांगा हुआ था चांदनी चौक में, सब सिलेंडर लेके यार, मगर 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था यार। इन लोग के पास कोई मतलब बातचीत करने के लिए मतलब मुद्दा रहा नहीं है, सही है। इन लोगों के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, अब की बार 400 बार। एक तिहाई बहुमत जिस सरकार के पास है, उस बगैर आधार पे बगैर आप नहीं, आप कैसे बोल दिए कि आप बीजेपी से हो? अगर आप जनता की सुनोगे तो आप कैसे बोले कि आप बीजेपी से हो? आप अरे क्यों बनाता आप नहीं है बोलोगे? आप कैसे बोले? आप बोले कैसे? लाइन लगाते थे, कौन सा लाइन लगाते थे? महंगाई था। ये बताइए बात कर रहे हैं, ये 2014 से पैसे गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगता था कि नहीं लगता था? 14 से पहले 900 रुपए का गैस सिलेंडर था, एक बार आप सर्च करके देख लो। समझ गया भैया, ठीक है, क्या समझ गए आप जवाब दे रहे हो? हम जवाब दे रहे हैं ना, 2014 से पहले ना लंबा लाइन लगाना पड़ता था, जेब कट जाती थी, अब तो भाई होम डिलीवरी हो रहा है घर घर। मोदी की बड़ाई कर रहे हो ना, कांग्रेस की बताओ, क्या बताएं? आप न्यूज वाले हो तो क्या बताएं? हम बताते लाइन लगाना पड़ता है अर्जेंट टाइम में, कांग्रेस पैसा नेता विहीन मुद्दा विहीन दो चीज है। अब भाई हेलो, अभी ये परेशान नहीं हुआ है, 2 महीने के बाद ये जो है ना बड़े बड़े नेता सब बीपी का भी मतलब गोली खाना शुरू कर दिया है, सब जमानत पे चल रहा है, जितना भी गठबंधन है ना ये सारे ठग बंधन है, ये सब अभी जमानत पे चल रहा है, ये 2024 के बाद मतलब सिर्फ 2 महीने के बाद सब नेता जेल में है, जितना भी मतलब भ्रष्ट किया है उन्होंने। तो इसी को तो तानाशाही कह रहे हैं विपक्ष वाले, कह रहे हैं मोदी तानाशाही कर रहे हैं। गाय का तानाशाही कर रहा भाई, हां तो भाई घोटाला करोगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। राहुल गांधी भी जो है जमानत पे चल रहा है, हैरल्ड केस के अंदर वो भी जाएगा, अभी देखते तो रहो। अच्छा एक मिनट बात सुनो, सुनो मेरी शांति से सुनो भाई, अभी सुनो शांति से, दोनों भाई हैं, ऐसे कोई बात नहीं। अरे सुनो, चला गया तो साफ हो जाएगा, नहीं वही क्या हुआ ना? नहीं वो नहीं, मैं नहीं कह रहा वो चीज, मैं नहीं कह रहा कि कौन घोटाला कर रहा है नहीं कर रहा। देखो सरकार कोई सी भी आएगी, घोटाला कुछ ना कुछ होता रहता है। सुनो एक राज में भाई साहब एक बात बताओ, सुनो सुनो, अरे यार सुन जाओ, सुन लो भाई, 7 साल में घोटाला हुआ है। कर्ज क्या हुआ देश में? पहले
पहले पर व्यक्ति कितने कर्ज में था, अभी क्या है? कर्ज में था हमारे को, देखो ना कि मतलब हमें कितना तसल्ली मिल रहा है उसको, जो कर्ज में लेके के सर पे लेके चलोगे आप, फैसिलिटी को देखो ना, जनता को कितना फैसिलिटी मिल रहा है, ये नहीं देख रहे हो कर्ज में, कर्ज में। और तुम्हारा कितना वोट है बीजेपी का, यहीं पे यहीं पे पूछ लो एक एक करके, देखो कितने बीजेपी के विरुद्ध है। इनसे मांग रहा है कर्जा, जनता को चाहिए, जनता को चाहिए फैसिलिटी, हमें फैसिलिटी मिल रहा है, हमें क्या करना है उसके ऊपर, क्या चल रहा है नहीं चल रहा। रोजगार होता ना सब काम कर रहे होते, बेरोजगार है जब यहाँ पे घूम रहे। बिहार के पटना के गांधी मैदान के क्या ये लोग रैली देखे हैं? ये लोग रैली देखे हैं? कौन कौन पहुँचा है, क्या क्या विभाग के लोग पहुँचे है, कौन सा पार्टी के लोग पहुँचे है, इन लोग का पता है नहीं पता है ना? बिहार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, विकास के बात क्या हो रही है, शिक्षा के बात क्या हो रही है, मुद्दे के बात क्या हो रही है, किस हिसाब बात पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं ना? विकास कहाँ हुए हैं, किस जगह पर, कौन से राज्य में विकास हुए हैं बताइए? गुजरात, बिहार में जाकर देखिए। अरे बिहार में था बीजेपी, आया नहीं, बीजेपी को तो आने दो, अब की बार दो महीने के बाद बीजेपी का सरकार है भाई, बीजेपी का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, जो 17 महीने में वो ठगबंधन है, जो 17 महीने में जो बीजेपी नहीं कर पाया, जो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने लिखित पत्र बांट के वो दिखा दिया है, जो हर कुछ ने देखो बिहार, एक सेकंड बाद देखो, आप बिहार से अंकल जी? बिल्कुल, देखो एक सेकंड अंकल जी, बिहार के राजनेता कैसे देश का भला कर रहे हैं और राज्य का भला? देखो पहले तेजस्वी यादव ने क्या बोला, हम जाति जनगणना करवाए और करवाई, लेकिन उसका एक सेकंड उसका एक भी बेनिफिट अगर जनता को मिला हो तो बताओ? सुनो एक अरे अब सुनो, अगर सुनो इस, लेकिन इसकी गणना नहीं होगी, देश में महंगाई कितनी है, देश में बेरोजगारी कितनी है, देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, देश के कितने लोगों के पास आवास मिल चुका है, देश के कितने लोगों को, महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिल रही है, इसकी जनगणना, इसकी जनगणना करवाओ ना यार, जो मोदी की कमी है वो गिनवाओ आप। सुनो तो सही, खाली जो बोल रहे हैं ना ये सब बात, 80 करोड़ लोग जो है ना, जो कितने साल से मतलब मुफ्त राशन खा रहे हैं, फिर भी मतलब वही मतलब गुनगा रहे हैं, जो है ना मोदी जी है ना, मतलब अभी तक बांट रहे हैं मुफ्त का राशन, फिर भी बोल रहे हैं, जो मतलब राहुल के राज में ऐसा नहीं था, पैसा दोगे तो राशन मिलेगा। जातीय जनगणना से क्या फायदा? जाति जनगणना से, जाति जनगणना से बीजेपी का इतना डर क्यों लग रहा है भाई?